नहीं, एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं? जो कहा है वही होगा, आईनी पोजीशन सारी ले लेंगे, दबोच लेंगे, नोच लेंगे। पीपल्स पार्टी की सर भी कढ़ाई में, पांच उंगलियां भी कढ़ाई में, खुद भी कढ़ाई के अंदर। जो अच्छी चीज उसमें हो रही है कि सारा जो मलबा जो है वो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी है, गवर्नेंस भी उनकी है, सारे जो मिनिस्ट्रियों में होता है कि जी अब वो ये नहीं कह सकते कि हमने इनको दे दी थी तो हमारे साथ ये हो गया, हमने इनको दे दी तो अच्छा हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्प्लिट हो गई। जो आपको कहा था, जिस पे आप मुस्कुरा रहे थे कराची से ट्रांसमिशन करते हुए, कि आईनी सारे ओहदे नोच लिए जाएंगे, दबोच लिए जाएंगे। भाई को भी फोन करके मैंने दो दिन पहले बोल दिया था कि फैसल भाई आप पहुंचे, बंदे आपके मुकाबले नहीं। हाँ ठीक है सर, तो कोलेशन की गवर्नमेंट हो गई है, आपको मुबारक हो जमहूरी। तो लेकिन ये कोलेशन गवर्नमेंट पर से तो नहीं है, पर से नहीं है, है तो कोलेशन। ट्रेजरी बेंच पे बैठेंगे, वजारतों में नहीं जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल और आईनी पोजीशन सारी ले लेंगे। का पीछे हट से हटने का कोई इम्कान है कि छह महीने बाद के बस खत्म? देखिए अगर तो नवाज शरीफ साहब फिर भी इस धागे से ही पतली, जो मैं आपके शो पे कहता रहूं, हकूमत में प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो पांच महीने का खेल है। अगर 90% शहबाज शरीफ साहब आ जाते हैं अदर देन द डार्क हॉर्स, क्योंकि आप कुछ परसेंटेज आपको उसकी भी रखनी पड़ेगी। प्रॉब्लम यह है कि $24 बिलियन आपने देना है जून में, IMF को रिस्ट्रक्चर करना है, महंगाई, बेरोजगारी, इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स, करंट अकाउंट डेफिसिट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सब कौन देखेगा भाई? आप जल्दी जल्दी करें, अब तो फैसला हो गया है ना, फैसला चार दिन पहले बोला था भाई, लोग आपकी हाथ सुन लेते आपके तवस्सुस से, तो चार दिन भी जाया नहीं। और नून मान लेगी ये सारी अरेंजमेंट? नून का कोई चॉइस ही नहीं है ना। चॉइस तो है, कैसे? वो इनको आके कहें कि प्राइम मिनिस्टर आप ले लें, नहीं नहीं पंजाब हमें दे दें। इतने बेवकूफ सियासतदान थोड़ी है, इनके इन सियासतदानों के बीच में यू हैव टू गिव हिम द क्रेडिट, जरदारी साहब मौजूद हैं चेस बोर्ड के अंदर पॉलिटिकल। आजकल आपकी मोहब्बतें बड़ी हुई है जरदारी साहब के साथ, तारीफें करते हैं यार इनके पास जरदारी साहब है। मैं तो बेटे जैसा हूं, तो मैंने उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा, ना मैंने उनसे कभी कहा कि गलत पर क्रिटिसाइज नहीं करूं। कुछ नहीं कह सकते बेटे जैसे जो कौन पीपल्स पार्टी इतनी अकलमंद है तो नून लीग को आप इतना बेवकूफ समझते हैं कि सारा मलबा अपने सर ये जूतों का आर्पिट लगा लेगी? सर आपको जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई वांट टू आस्क, मैं आपको बोल रहा हूँ सर, ये नून लीग पॉलिटिकल पार्टी रहेगी, आखिरी इक्तदार है, लेने दे मजा जमहूरियत का। आप लोगों को भी बहुत शौक था ना जमहूरियत, जमहूरियत अभी भी है, आईन और कानून तो करें ना, फिर मजा ले ले। वो मैं बार बार मैं अपने आप को रखे सोचता हूं कि मैं सियासत समझने की कोशिश करूं। मैं आपको बता दूं सर एक लफ्ज, बहुत सादा है, आप सियासत सीखना चाहते हैं आपको उसके लिए बेहस, बेशरम, कैरेक्टरलेस, ये सब क्वालिटीज आपके अंदर होगी तो आप पाकिस्तानी सियासत समझ सकेंगे। नहीं पाकिस्तानी सियासत कर सकते हो के लिए तो शायद ये मुमकिन हो जाए ना, हमारी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले, हम आपको सिखा देते हैं पीपल्स पार्टी की यूनिवर्सिटी। हाँ तो आपकी यूनिवर्सिटी हमेशा फेल हो जाती है आखिर में। नहीं नहीं आपकी यूनिवर्सिटी सिर्फ सिंध में कामयाब है, नहीं, नहीं, तो आप सिंध में फेल नहीं होती यूनिवर्सिटी फेल करा दी जाती है, फेल करा दी जाती है। अच्छा अरे ये मुझे एक बात बताएं, सही वर्केबल फॉर्मूला है वो आपको क्यों दे दें सदर भी चेयरमैन सेनेट भी? न दे, हम कम्पीट करेंगे न दे फिर भी देंगे, बेहतर तो ये होता है। मगर देखिए मोहतरमा शहीद ने 17 सीटों पर वजीर आजम का इलेक्शन भी लड़ा, स्पीकर का भी लड़ा, चेयरमैन सेनेट का भी लड़ा, सदारत का भी लड़ा, सब कुछ लड़ा। हम तो अपने कैंडिडेट देंगे, लेकिन हमने सुना कि आप ये ले रहे हैं, आप कहेंगे कि हम आपको वोट तो दे देंगे पर ये तीन चार चीजें हमें दे दें। देखिए हम कम्पीट करेंगे, वोट देंगे देंगे, नहीं देंगे तो हम कम्पीट करेंगे, लेकिन वोट फिर भी देंगे वजीर आजम का, वोट फिर भी देंगे वजीर आजम वोट तो कल मतलब चंद दिनों बाद है ना। अब चेयरमैन सेनेट स्पीकर का उससे पहले होगा, चेयरमैन सेनेट तो अभी मार्च के बाद कहीं आएगा, मार्च में आ जाएगा, मार्च के बाद नहीं मार्च में आ जाएगा। 17 वोट तो देंगे ना, मजबूरी के हालात और प्रेसिडेंट नहीं देखे नहीं वोट इसलिए हम दे रहे हैं। देखें ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता, आपने पहला फेज मिस किया है, आप इलेक्शन में नहीं जा सकते, इलेक्शन लड़ना इतना आसान बात नहीं है। तो इलेक्शन आप जाएंगे दो ढाई साल के अंदर, सवा दो साल पौने दो साल के अंदर, ख्वाहिशात पे जो चीजें चल सकती है ना, आप छह महीने भी कह सकते हैं, तीन महीने भी कह सकते हैं, हर हुकूमत बनती है आप कहते हैं ये आज गई और कल गई, तीन महीने हफ्ता महीना और वो पांच साल चली जाती है पार्लियामेंट। देखिए अब बात यह है कि इलेक्शन इतना आसान नहीं है, पीटीआई ने अपने दरवाजे बंद कर दिए, वो किसी से बातचीत नहीं करना चाहती थी तो बच गए दो पार्टियां बच गई। तो क्या लार्जली मुखालफत थी पीपल्स पार्टी पीएमएलएन से इत्तेहाद की? मेजोरिटी मुखालफत कर रहे थे कि हमें यह भी नहीं करना चाहिए जो किया। देखिए वो इसलिए थी कि हमने 16 महीने का जो तजर्बा किया जिसमें जिस तरीके से हुकूमत चली वो कोई इतना अच्छा तजर्बा नहीं था, और उस पर बहुत से लोगों को तहफ़ात थे हमारे पार्टी के दोस्तों को, इसलिए हमने ये चीज़ इस किस्म का फैसला किया कि हमने वजारतें नहीं लेनी और हमने जो है उनको सपोर्ट करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट
और डेमोक्रेसी चले। आप क्यों हंस रहे हैं? मैं खुश हो रहा हूँ इतनी डेमोक्रेटिक बातें, इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं कि इन्होंने फैसला किया। इन्होंने अभी तक इलेक्शन नहीं लड़ा, इनको पता नहीं अभी लड़ा हुआ है यार, क्या कर अभी इस इलेक्शन में ना। अच्छा, इस बार आप लोग सिलेक्शन करवा रहा हूँ तो मुझे उसका काम नहीं देंगे क्रेडिट। अच्छा, आप सिलेक्शन टीम में, इनकी सिलेक्शन आप करवा रहे हैं? सारी सी बात है, हम भी इनके लिए रास्ता तो बना रहे हैं। ये जो हमारे साथ जो हुआ है वो आपने करवाया? देखो तो देखे ना, हर चीज की कॉस्ट भरनी पड़ती है आगे अच्छा होने के लिए। आपने आज कॉस्ट भरी उसका, ये देखें, ये हमने बाद में ये चीजें हम 1988 सुनते रहे, 88, 90, 93, 97, फिर आप 2002 साहब ना शुक्रिया आदमी, 2008, 2013 बलोचिस्तान आप ले गए, सिंध आप ले गए, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन आप ले गए, अब क्या चाहिए आपको? जान जान लेंगे क्या बच्चे की? कौन सी बच्चे की? बड़े बच्चे की। कौन सी? इसकी नहीं, बड़े बच्चे